हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाई फाई स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। दोस्तों एक बार फिर हम आप के समक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जी हाँ UPSC से एक महत्वपूर्ण खबर लेकर के हाजिर हो गए। जी हाँ, जो एक कोर्ट के आदेश के संबंध में है। तो ठीक है दोस्तों, पूरी पूरी खबर जानने से पहले हम चाहेंगे हमारे चैनल पर जो हमारे मित्र पहली बार आए हुए हैं निश्चित तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बगल में लगे बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आने वाली तमाम महत्वपूर्ण सूचनाएं तथा बेहतर से बेहतर सब्जेक्ट मटेरियल हम आप तक पहुंचा सकें। ठीक है ना दोस्तों? तो ठीक है दोस्तों, बिना समय के नुकसान किए देख लेते हैं कि हाई कोर्ट का क्या आदेश है, कि पूरे पूरी खबर पढ़ लेते हैं हम, चलते हैं सीधे सूचना की तरफ। जी हाँ, देख सकते हैं आप इधर लोक सेवा आयोग सचिव व परीक्षा नियंत्रक से पूछताछ। जी हाँ, UPPCS। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका आपका 19 जून 2017, जी हाँ देख सकते हैं कि आपका जो मुख्य परीक्षा था उसके संबंध में गलत पेपर बांटे जाने का मामला आया हुआ था। उसका जो है संबंध लोक सेवा आयोग से SP क्राइम ने आयोग कार्यालय पहुंचकर सचिव और परीक्षा नियंत्रक से जवाब तलब किया है दोस्तों। तो ठीक है, पूरी पूरी खबर पढ़ लेते हैं हम, देख लेते हैं आखिरकार क्या पूरी खबर है। जी हाँ देख सकते हैं, PCS, जी हाँ PCS 2017 की 19 जून को आयोजित परीक्षा में गलत प्रश्न पत्र बढ़ जाने के बाद हुए बवाल के मामलों को लेकर शुक्रवार को यानी कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 2 अफसरों से पुलिस ने पूछताछ की। जी हाँ, अफसरों से पुलिस ने पूछताछ की है। SP क्राइम ने आयोग कार्यालय पहुंचकर सचिव और परीक्षा नियंत्रक से मामले के संबंध में जानकारी ली है दोस्तों। बता दें कि जैसा कि आप लोग जानते होंगे शायद, छात्र नेता के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट के आदेश पर मामले की जांच की जा रही है दोस्तों। PCS 2017 की मुख्य परीक्षाएं 18 जून से शुरू हुई थी, जैसा कि आप लोग इससे वाकिफ होंगे, जानते होंगे। 19 जून को हिंदी, जी हाँ 19 जून को जो आपका हिंदी और निबंध परीक्षा के दौरान राजकीय इंटर कॉलेज के केंद्र पर प्रथम पाली में द्वितीय पाली का प्रश्न बांट दिया गया था। जी हाँ, प्रथम पाली में जैसा कि आप लोग जानते होंगे, प्रथम पाली में द्वितीय पाली का प्रश्न पत्र बांट दिया गया था। आधे घंटे बाद ही यह पेपर जैसा कि आप जानते हैं कि व्हाट्सएप पर वायरल हो गया था, जिसके बाद आयोग के परीक्षा निरस्त करनी पड़ी थी। जी हाँ, जो पेपर था व्हाट्सएप पर वायरल हो गया था, जिसके वजह के आयोग को UPSC को परीक्षा निरस्त करनी पड़ी थी। इसके बाद अभ्यर्थियों ने पूरी मुख्य परीक्षा निरस्त किए जाने की मांग को लेकर जमकर बवाल किया था। जी हाँ, इस मामले में छात्र नेता राणा यशवंत प्रताप सिंह की ओर से कोर्ट में 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र देकर आयोग अध्यक्ष अनिरुद्ध यादव जी के खिलाफ व अन्य के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने की मांग की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये देख सकते हैं आप, लोक सेवा आयोग सचिव और परीक्षा नियंत्रक से पेपर लीक के मामले में पूछताछ की है पुलिस ने, और भी इसके मामले में कुछ जानकारी हमें मिल सकती है। तो ठीक है, अगर कोई और जानकारी मिलती है तो निश्चित तौर पर हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, जो कि लोक सेवा आयोग से संबंधित होगा दोस्तों, एग्ज़ाम से संबंधित होगा, तो आप तक हम पहुंचाएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर इसे लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।